झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुमका में किया झंडोत्तोलन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका के पुलिस लाइन मैदान में झंडोत्तोलन किया। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में झारखंड के युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि युवा शक्ति अपनी रचनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग झारखंड के नवनिर्माण में करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं का साथ होगा तो हम सब मिलकर झारखंड को एक समृद्ध, खुशहाल और विकसित झारखंड बनाने में जरूर सफल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड तभी सशक्त होगा जब हमारा गांव मजबूत होगा। इसी ध्येय से हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत इरादे और बुलंद हौसलों के साथ उनकी सरकार ने लाखों राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना शुरू की है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मोरहाबादी में किया झंडोत्तोलन। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया। ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने परेड की और सलामी ली। उन्होंने राज्यवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस मौके पर रंगारंग झांकियां भी प्रस्तुत की गईं। बता दें कि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह 16 प्लाटून ने परेड का प्रदर्शन किया। भारतीय सेना का भी एक प्लाटून मोरहाबादी में परेड में शामिल हुआ। बता दें कि इस अवसर पर राज्यपाल ने सभी को बधाई दी। रांची में गणतंत्र दिवस समारोह देखने के लिए काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, झारखंड में होगी 45,000 पदों पर भर्ती। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गणतंत्र दिवस के मौके पर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में बहुत जल्द 45,000 पदों पर सरकारी भर्तियां होंगी। बता दें कि मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन पास जो युवा एक अदद नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, उनका इंतजार जल्द ही समाप्त होने वाला है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सहित अन्य विभागों में रोजगार का दरवाजा खुलने वाला है। हेमंत सोरेन सरकार ने उनके लिए सरकारी विभागों में नियुक्तियों का पिटारा खोल दिया है। इच्छुक युवा अवसर का लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि यह मौका कहीं चूक न जाए। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दुमका में झंडोत्तोलन के बाद जनता के नाम संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रयोगशाला सहायक, पीजीटी टीचर, नगरपालिका सेवा, डिप्लोमा जैसे कई बड़े पदों पर भर्तियां की जाएंगी। कड़ाके की ठंड की चपेट में झारखंड अभी नहीं मिलेगी राहत। झारखंड में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। शनिवार को हुई झारखंड के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के बाद बह रही ठंडी हवा ने झारखंड में ठंड बढ़ा दी है। ठंड से अभी राहत मिलती नहीं दिख रही है। पिछले 24 घंटे में झारखंड के उत्तरी तथा दक्षिणी भाग में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा देखा गया, जबकि उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं कहीं कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। झारखंड में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा भी हुई है। बता दें कि राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड के तापमान में उतार चढ़ाव दिखने लगा है। बता दें कि अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। झारखंड में बिरसा सिंचाई कूप योजना के तहत बनाए जाएंगे 1,00,000 कुआं। झारखंड में बिरसा सिंचाई कूप योजना के नाम से एक नई योजना शुरू की गई है। योजना के तहत 1,00,000 कुआं का निर्माण किया जाएगा। अब तक लगभग झारखंड में 93,000 योजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है। बता दें कि उक्त बातें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। उन्होंने कहा कि किसानों के पास खेती करने के लिए सिंचाई के साधन उपलब्ध हों, इसके लिए हमारी सरकार के द्वारा बिरसा सिंचाई कूप योजना के नाम से एक नई योजना की शुरू की जी हां योजना शुरू की गई है। योजना के तहत 1,00,000 कुआं का निर्माण किया जाएगा। अब तक लगभग 93,000 योजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा
किसानों को 117 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस भी दिया जा रहा है। जैक ने जारी किया 10वीं और 12वीं का एडमिट कार्ड। जैक यानी झारखंड एकेडमी काउंसिल ने 10वीं और 12वीं के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। वे उम्मीदवार जो इस वर्ष की जैक यानी झारखंड एकेडमी काउंसिल बोर्ड की इन दोनों में से कोई भी परीक्षा दे रहे हों, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए झारखंड एकेडमी काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा का आयोजन 6 फरवरी से होगा। 6 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2024 तक एग्जाम चलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में कैंप स्थापित कर 60,000 युवाओं को दिया रोजगार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बेरोजगारी बड़ी समस्या है और रोजगार प्राथमिक लक्ष्य। यही कारण है कि झारखंड में सरकारी नौकरी के अलावा उनकी सरकार ने निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार देने की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रोजगार कैंप स्थापित कर सरकार ने 60,000 युवाओं को रोजगार दिया, निजी क्षेत्र में 1,00,000 नौकरी दी, रोजगार मेले में 27,000 नियुक्ति पत्र दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री ने बताया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन की तैयारी पूरी हो चुकी है। उन्होंने वादा किया है कि इसी कार्यकाल में शिक्षक भर्ती का एक और मौका देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार देना उनकी सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है। विदेश मंत्रालय की झांकी में दिखी G20 सम्मेलन में भारत की कामयाबी की कहानी। गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में शुक्रवार को विदेश मंत्रालय की कई उपलब्धियों को दर्शाया गया, जिनमें G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी और इस शक्तिशाली समूह की अध्यक्षता के दौरान भारत की कामयाबियां प्रमुख रूप से शामिल रहीं। विदेश मंत्रालय की झांकी में वैश्विक मुद्दों का महत्वाकांक्षी, निर्णायक, समावेशी और कार्रवाई उन्मुख तरीके से समाधान करने की दिशा में भारत के नेतृत्व को दर्शाया गया। इसमें पिछले वर्ष भारत की G20 अध्यक्षता के सफल समापन और उसकी उपलब्धियों को भी दर्शाया गया। झांकी के सामने वाले हिस्से में नालंदा महाविहार को दर्शाया गया, जिसके ऊपर G20 का लोगो लगा हुआ था। अफ्रीकी संघ को G20 का पूर्ण सदस्य बनाने को लेकर भारत की अध्यक्षता में लिए गए फैसले को नमस्ते मुद्रा में हाथ जोड़कर दिखाया गया। एक हाथ में भारतीय ध्वज और दूसरे में अफ्रीकी संघ का झंडा दिखाया गया। बता दें कि झांकी में विश्व में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को भी दर्शाया गया। झांकी के किनारों पर डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और मोटे अनाज के साथ हरित विकास में भारत की सफलता को भी दर्शाया गया। भारत में कोरोना के सामने आए 187 नए मामले। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 187 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1674 रिकॉर्ड की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुबह 8 बजे तक अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे की अवधि में महाराष्ट्र से एक व्यक्ति की मौत की खबर है। हालांकि पिछले साल 5 दिसंबर तक दैनिक मामलों की संख्या दोहरे अंकों में थी, लेकिन ठंड और कोविड-19 के नए स्वरूप के आने के बाद इन मामलों में फिर वृद्धि शुरू हो गई है। खबरों को माने तो 5 दिसंबर 2023 के बाद एक दिन में कोविड संक्रमण के सर्वाधिक 841 नए मामले 31 दिसंबर को रिकॉर्ड किए गए, जो मई 2021 में दर्ज सर्वाधिक मामलों का 0.2% था। वायरस के उपचाराधीन मरीजों में से लगभग 92% मरीज घर पर ही पृथकवास में हैं। बता दें कि इस समय उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि JN.1 उप स्वरूप की वजह से
न तो नए मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है, न अस्पताल में भर्ती होने वालों संक्रमितों की संख्या में वृद्धि हो रही है और न ही मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। देश में कोविड 19 के डेल्टा स्वरूप के कारण अप्रैल जून 2021 में महामारी की स्थिति बेहद भयावह हो गई थी और उस दौरान 7 मई 2021 को देश में एक दिन में संक्रमण के 4,14,188 नए मामले सामने आए थे और 3,915 मरीजों की मौत हुई थी। बता दें कि देशभर में 2020 की शुरुआत से अब तक लगभग 4 वर्ष में कोविड से करीब 4.5 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। गणतंत्र दिवस परेड का महिला बैंड ने किया आह्वान, पारंपरिक वाद्य यंत्रों से बांधा समा। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर परेड की शुरुआत आह्वान से हुई। 100 से अधिक महिला कलाकारों द्वारा पारंपरिक वाद्य यंत्रों का वादन परेड का मुख्य आकर्षण रहा। महिला कलाकारों के बैंड ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों का वादन कर माहौल को पूरी तरह से भारतीयता के रंग में रंग दिया। 112 महिला कलाकारों वाले बैंड ने विभिन्न प्रकार के लोक और आदिवासी ताल वाद्य यंत्रों को वादन किया, जो महिलाओं की ताकत और कौशल का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। मनमोहक ध्वनियों के बीच 20 कलाकारों ने महाराष्ट्र के ढोल और ताशे की लयबद्ध ताल का प्रदर्शन किया और 16 कलाकारों ने तेलंगाना के पारंपरिक डप्पू का लयबद्ध वादन किया। इस बैंड में पश्चिम बंगाल के ढाक और ढोल बजाने में 16 महिला कलाकार भी शामिल रहीं। साथ ही 8 कलाकार शंख बजा रही थीं, जो सुनने के अनुभव को और बेहतर बना रहे थे। बैंड के सुरों को बढ़ाते हुए 10 कलाकारों ने केरल के पारंपरिक ड्रम चिंडा का वादन किया और 30 कलाकारों ने कर्नाटक के ऊर्जावान ढोलू कुनिथा का प्रदर्शन किया।